कॉलेज में और ये मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का आज रजिस्ट्रेशन करवाया था मेरे बेटे ने, और मैं उसको आज वैक्सीनेशन दिलवाने के लिए मेडिकल कॉलेज में लेके आया हूँ। आप बिल्कुल देख रहे हैं, मेरे वैक्सीनेशन करवाने के लिए आया था, और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये PGIMS का ऑडिटोरियम है, और इसके अंदर वैक्सीनेशन की जो लगाने की प्रक्रिया है यहाँ हो रही है। और वैसे रोहतक में कई सेंटर हैं, पर ये भी एक सेंटर है जिसमें वैक्सीनेशन जो है वो किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जिनकी आयु 18 साल से ऊपर की है उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उसको डेट मिलता है और SMS के जरिए सूचित किया जाता है कि इस तारीख को आपको वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ आना। इस वक्त जो रोहतक के हालात हैं वो अभी तो अंडर कंट्रोल हैं, और पीछे जो कोरोना का जो प्रभाव था, कोविड जो है वो गांवों में भी उसका फैलाव हो गया था, और अब इसमें जो है मतलब अगर आपको कोरोना से बचना है तो इसकी जो चेन है उसको हमें तोड़ना होगा। इसका तोड़ने के लिए सबसे पहले ये है कि आप घर में रहिए और जरूर अगर आपको है तो तभी घर से बाहर निकलिए। और मैं समझता हूँ कि आस पड़ोस में पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें, और इन दिनों जो है मच्छरों का जो प्रकोप है वो भी काफ़ी अधिक है, और अगर आप ये ख्याल रखेंगे कि आसपास जो है पानी जो है वो इकट्ठा ना हो और जिससे मच्छर जो है वो ज़्यादा पनप ना पाए, उनकी जो पैदावार है वो जो वो अधिक ना हो, क्योंकि जो मच्छर है उससे भी जो है मैं समझता हूँ कि और भी जैसे बुखार है वो भी होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए पानी को इकट्ठा ना होने दें, गमलों के अंदर जो है वो मोस्टली पानी को देखें ना इकट्ठा हो, और आसपास जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें कोशिश करें कि आप मिट्टी का तेल या ऐसी कोई चीज़ जिससे जो है मच्छर पैदा ना हो सके वो आप करें। जीवन है तो सब कुछ है, अगर जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मेरा लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस दौरान एक स्वच्छ भारत जो है उसके तहत सफाई का जो है पूरा ख्याल रखें। आसपास घरों के अंदर जो है कूलर वगैरह हैं उसमें कोशिश करें कि उसमें जो है कूलर अभी चलाने से जो है वो आप मत चलाएं। पानी वगैरह जो है उसको अगर चला भी रहे हैं तो उसका पानी जो है वो एक दो दिन में 5 दिन में उसको साफ करें, जिससे गंदा पानी होगा तो मच्छर जो है वो पैदा होंगे, आपको मच्छर को भी जो है यहाँ रोकना है। और दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए आप डेफिनेटली रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं, जिससे अभी जैसे कोरोना जिस तरीके से फैला है और जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाया हुआ था उन पर इसका जो प्रभाव है ना के बराबर है। ओनली 3% जो लोग हैं जो इससे इफेक्टेड हुए हैं, अगर वो इफेक्ट हो भी गए हैं तो उसमें जो उनके मौत होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हुए हैं। इसीलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। हेलो। हाँ हाँ सौरभ, कितना अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा? हाँ चल लाइन क्या, ज़्यादा? अभी जाना तो। नहीं हाँ नहीं बैठा हूँ मैं, अच्छा चल बैठे, लाइन ज़्यादा इधर, उस आ ही जाएगा 15-20 मिनट नंबर, उसके बाद फिर क्या मतलब बिठाएंगे वहाँ पे आधा अंदर? घंटा आधा घंटा। हाँ अभी अच्छा, आधा घंटा वो करते हैं। कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? कोविशील्ड। पक्का?
यही बढ़िया होती है कोविशील्ड ही। ठीक पता नहीं भाई। है सोरो, ओके ओके। 1 घंटा हो गया अभी सौरभ का फोन नहीं आया। मैं कोशिश करता हूँ उसे लगाने की, वैक्सीन लगी या नहीं। अगर वैक्सीन लग जाती है और उसके बाद के जो इफेक्ट होते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वैक्सीन लगने के बाद क्या इफेक्ट होते हैं। मैं अभी उसको कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वैक्सीन उसको लग गई है। कितना है, कोई दर्द वर्द तो नहीं हुआ टीके में? ना बाबा, कितनी देर होगी वैक्सीन लगे? हाँ अभी लगी है, 2 मिनट हुए। अच्छा, फिर क्या कुछ मतलब इसके बाद अंदर भेज देते हैं? ऑडिटोरियम में बैठे, अच्छा, बेड वगैरह बिछा हुआ है क्या? स्टूल वगैरह है, क्या चीज है, चेयर वगैरह है? ऑडिटोरियम है तो ठीक अच्छा, चेयर होंगी है। चलो आराम से है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बाय पापा। ओके बेटा। सौरभ ये बताओ कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको क्या फील हुआ? मतलब कोई साइड जैसे सिर में दर्द होना या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? तो मतलब आप क्या राय देते हैं कि सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए? तो आप ये भारत के जो आवाम है, भारत की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें।